आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघ मद मिटे तव पद में बम्मा चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। एक कथानक चल रहा है पिछले 15-20-25 दिनों से, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। सती चेलना का ऐसा पवित्रतम जीवन चरित्र है, जितना पढ़ो जितना गुनो उतना ही कम लगता है। पिछले सत्र में आपने देखा महाराज श्रेणी गौतम स्वामी से अपने पुत्र अभय कुमार के बारे में जब पूरी जानकारी पूर्व भोग की प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही साथ गौतम स्वामी ये शब्द भी कह देते हैं कि अभय कुमार समव शरण में आने के बाद इनकी भी भव्यता सामने दिखाई दे रही है, ये भी इसी भाव से मोक्ष प्रसाद करके सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। ये बात सुनकर के अभय कुमार के मन के अंदर विशेष प्रकार का प्रसन्न भाव पैदा हो गया। गौतम गर्धन के मुख से सुनना, समोशरण को देखना, साथ ही साथ भगवान महावीर स्वामी के साक्षात दर्शन करके जो अनुभूतियां प्राप्त हुई, अभय कुमार के भी निर्मल सम्यक्त के प्रत्येक चिन्ह बाहर दिखाई देने लगे। महाराज क्षणिक अभय कुमार और कुणिक के संवाद को सुनकर के 12 सभाओं में अपने कोठे पर जाकर के शांतिपूर्वक बैठ गए। बहुत देर तक प्रभु को निहार के गौतम स्वामी से संवाद करने के बाद महाराज क्षणिक समव शरण को छोड़कर के वापस अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजमहल की ओर जब महाराज क्षणिक, महारानी चेलना, अभय कुमार अपने अपने रथों पर वापस आ रहे थे, चेलना महाराज क्षणिक से कहती है कि जो सत्य आपने देख लिया है उस सत्य को आप पूरी दुनिया को भी दिखा दीजिए। चेलना की इस बात को सुनते साथ ही महाराज क्षणिक चेलना की ओर देख करके बोलते हैं, क्या कहती हूँ चेलना? चेलना महाराज क्षणिक से कहती है कि महाराज, आपने जिस सत्य को देख लिया है, आपने जिस धर्म की महिमा समझ ली है, आपने जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव को समझ लिया है, उसका प्रभाव, उसको लोये सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकर जड़े वंदे, उसकी लोक में प्रकाश फैलाइए, उसका और वैभव लोगों को बताइए। क्योंकि जब राजा परिवर्तित होता है, जब राजा अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो पूरी दुनिया में भूचाल आता है। ये बात चेलना ने महाराज क्षणिक से कही। महाराज क्षणिक तुरंत ही निश्चित कर लिया कि चेलना जैसा आप कहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। गौतम स्वामी से महाराज क्षणिक ने मात्र कुणिक और अभय कुमार के संवाद के बारे में ही जानकारी नहीं ली। जब गौतम स्वामी और महाराज क्षणिक सामने बैठ करके चर्चा कर रहे थे, गौतम स्वामी महाराज क्षणिक से कहते हैं कि षट निकाय में जीव जो है उसका प्रतिपादन जैन शासन की अपने आप में बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। दुनिया में किसी भी दार्शनिक जीवन में चले जाइए, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि जल में भी जीव मिलता है, कोई भी ये नहीं कहता है कि पेड़ों के अंदर भी जीव उत्पत्ति होती है, जीव रहते हैं, अग्नि में भी जीव होता है,
वायु में भी जीव होता है और वनस्पतियों में अनंत जीव एक शरीर के साथ रहकर के स्थापित रहते हैं, जिनको निगोदी और राशि कहते हैं। जब गौतम स्वामी के माध्यम से महाराज क्षणिक को षट निकाय के जीव का शुद्ध प्रतिपादन हुआ, महाराज क्षणिक उस प्रत्येक एक एक वस्तु को देख करके समझ करके अत्यंत पाप से डरने लगे। आपको भी सुना तो बहुत बार होगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, स्थावर, इन सब चीज़ों में जीव होते हैं, लेकिन कभी महसूस होता है क्या? जब अनछने पानी में हम हाथ डालते हैं तब किसको महसूस होता है कि इसमें भी जीवत्व नाम की कोई शक्ति है? जब हम वनस्पति कायिक को तोड़ते हैं उस वक्त किसको महसूस होता है? गौतम स्वामी कहते हैं कि षट निकाय के जीव का प्रतिपादन ही जैन शासन की सबसे अद्भुत व्यवस्था। कभी महसूस करिए, अनछने पानी में हाथ डालते हैं, कभी एहसास होता हो इस बात का कि इसमें भी जीव है। कभी वनस्पति कायिक इस पेड़ों को खड़े हुए देख करके इस बात का एहसास होता हो कि इसमें भी जीव है। जब कभी भी आप अग्नि जलाते हैं या बंद करते हैं तब महसूस करिए कि इसमें भी जीव है। जलने पर वहाँ पर रहने वाले दूसरे जीव का नाश होता है और बंद करने पर जो जीव उसमें उत्पन्न हो रहे होते हैं उनका नाश होता है। तो ये जीवत्व शक्ति ही अपने आप में छठ निकाय के जीव के प्रतिपादन की व्यवस्था ही जैन शासन की सबसे अद्भुत व्यवस्था है। जब गौतम स्वामी ने महाराज क्षणिक को षट निकाय में रहने वाले जीवों के बारे में बताया और अपने दिव्य ज्ञान से उनको एहसास कराया, महाराज क्षणिक जैसे ही बाहर समोषण से निकले, महाराज क्षणिक ने सबसे पहले घोषणा करी कि मेरे पूरे मगध के साम्राज्य में कहीं पर भी कोई भी जलचर, भूचर और खेचर, इन तीनों प्रकार के जीवों की किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं करेगा। महाराज क्षणिक ने घोषणा करी कि तालाबों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जिसको आप लोग सी फूड्स कहते हैं, रहने हैं तो वो प्राणी, लेकिन आप बहुत सारे लोग दुनिया के उसको फूड समझ बैठे हैं, खाने योग्य पदार्थ। कितने दर्शनों में ये बात लिख दी गई है कि मनुष्य के लिए जितने भी जीवधारी हैं वे सब मनुष्य के लिए ही सृष्टि पर बने हैं, और बहुत सारे लोग सी फूड्स के नाम पर पता नहीं दुनिया की कितने कितने जानवरों को पेट पे खा लेते हैं। महाराज क्षणिक ने घोषणा करी, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और धरती पर चलने वाले किसी भी प्राणधारी जीव की मगध साम्राज्य के अंदर कोई भी हत्या नहीं करेगा। मगध सम्राट ने ये घोषणा तो करी, लेकिन घोषणा सब कोई मानते कहाँ है? कोई मानता है क्या, बताओ? अच्छा, अरे जैन समाज में होकर के जब जैन साधु बोलता है कि षट निकाय के जीव होते हैं, पानी छान के पीना चाहिए, आप मानते हैं क्या? नहीं मानते। एक बार सुबह नल आता है, उस समय छन्ना लगा करके पानी छान दिया, अब जब तक दूसरे दिन नल ना आए तब तक वो पानी छना मानते हैं आप लोग? ऐसी तो आप लोगों की सोच है। कभी आपको लगता है कि अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, इसमें भी अनंत जीव राशि होती हैं, उसमें भी जीवक्त शक्ति है? जब अहिंसक कुल के होकर के हम अपने खुद धर्म में रह करके और हम षट निकाय के जीवों में जीवत्व शक्ति को मानते नहीं है, जानते तो हैं, जानते हैं एंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरिंदिया, पंचेंदिया, पुड़विकाइया, आवकाइया, तेवकाइया, वाऊकाइया, वनफदिकाइया, तस्काइया, ऐसे जीव के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन मानते हैं ऐसा मैं मानता नहीं। क्योंकि अगर मान जाते तो अनछने पानी का प्रयोग बंद हो जाता, रात्रि भोजन बंद हो जाता, व्यर्थ में वनस्पति कायिक को तोड़ना बंद हो जाता, अग्नि को जलाना बंद हो जाता, पर्वत पहाड़ों को फोड़ना बंद हो जाता, जमीन खोदना बंद हो जाता, अजीवकृत जितने असंयम होते थे वे भी बंद हो जाते, जीवकृत असंयम भी बंद हो जाते, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की परिभाषा समझ में आ जाती। लेकिन समझ में नहीं आता, जानकारी तो है, इधर से विश्वास नहीं है। महाराज क्षणिक को यहाँ पे विश्वास हुआ कि छह निकाय के जीवों में भी जीव होते हैं,
चेलना ने जब कहा कि जो चीज आपको समझ में आ गई है, आप राजा हैं, पूरे देश को समझाइए। राजा ने वो चीज समझाई, महाराज सैनिक ने घोषणा कर दी कि मगध के साम्राज्य के अंदर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। जलचर, भूचर और खेचर, खे मतलब आकाश को खे कहते हैं, तो खेचर मतलब आकाश में उड़ने वाले पंछियों को भी कोई नहीं मारेगा। मगध सम्राट की घोषणा से बाहरी वातावरण में हिंसा तो शांत होती सी दिखाई दी, लेकिन जो लोग अंदर ही अंदर हिंसा करके और अपने उस भाव को नहीं छोड़ पा रहे थे, उनकी भी पूर्ति करने वाले कुछ लोग थे और खाने वाले भी बहुत सारे लोग थे। तभी तो काल सौरिक नाम का जो कसाई था मगध साम्राज्य में, महाराज सैनिक की इस घोषणा के बावजूद 500 भैंसे रोज मारता था, और 500 भैंसों को खाने वाले लोग होते होंगे तभी तो वो भैंसा मारता था। घटनाएं घटती थी बंधुओं, लेकिन राजाज्ञा अपनी तरफ है और अपनी मनमर्जी बिल्कुल अपनी तरफ। आदमी अपनी मनमर्जी पर परेशान हो गया। महाराज सैनिक ने घोषणा कराई, महाराज सैनिक ने अपने आप को लोक विजय करने की भी सोची। जो हम बाहर से लोक विजय करते हैं, ये चक्रवर्ती की दिग्विजय अलग चीज होती है, छह खंड को जीतता है, लेकिन महाराज सैनिक बार बार अंदर ही अंदर अपने कसाय को जीतने के लिए अपने अंदर ही एक अपूर्व शक्ति को पैदा करने का प्रयास करने लगे। श्रद्धा इतनी बड़ी हुई थी महाराज सैनिक की कि महाराज सैनिक बार बार सोचते थे कि कितनी देर से मुझे इस जैन शासन की वस्तु व्यवस्था समझ में आई, कारण कार्य की व्यवस्था समझ में आई, जिन शासन समझ में आया, लेकिन मेरा सौभाग्य है। महाराज सैनिक कहीं मांस भक्षी जीवन जीते थे, वे ही महाराज सैनिक आज जैन शासन में अहिंसा का सबसे बड़ा उद्घोष कर रहे हैं। वे ही महाराज सैनिक के पुत्र अभय कुमार भी पूर्व में अन्नमत के अनुयायी थे, आज वे ही जैन शासक को समझने वाले अभय कुमार, जिनके बारे में गौतम स्वामी ने कहा कि ये आगे चल के मुनि बनेंगे, मुनि चल बन करके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, ये बातें सुन करके जनमानस भी अपने आप में बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। कहीं पर भी होता है बंधुओं, प्रशंसा न देवताओं को पसंद आती है न मनुष्यों को पसंद आती है। आप किसी की दुनिया में प्रशंसा करिए, थोड़ी भी प्रशंसा होती है तो आपस में भी एक दूसरे को सुनने में बुरा लगता है, अरे उन्हीं की तारीफ हो रही है, जय बसे का जय सब करने वाले हैं क्या, होता है कि नहीं होता है। घर के अंदर देखिएगा, किसी एक व्यक्ति के घर के अंदर तारीफ होती हो, दूसरा व्यक्ति अपने आप चिड़ पैदा कर लेता। तीन बच्चों में से एक बच्चे को स्नेह ज़्यादा करिए, दो बच्चों में अपने आप मम्मी पापा के प्रति, भाई के प्रति चिड़ पैदा हो जाती है। मनुष्यों या देवता, दोनों में प्रशंसा सहनी नहीं है। महाराज सैनिक के निर्मल चरित्र को जीते जीते जब बहुत वर्ष निकल गए तो इंद्र सभा में, सौधर्म इंद्र की सभा में इंद्र ने महाराज सैनिक के उस श्रद्धा की प्रशंसा करी। प्रशंसाएं कई तरह की होती हैं, तप की भी होती हैं, चारित्र की भी होती हैं, दर्शन की भी होती हैं, ज्ञान की भी होती है। महाराज सैनिक की श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे जीव। वे जितने इंद्र थे आपस में, सौधर्मिन स्वयं बोल रहा था कि धरती पर महाराज सैनिक का वह निर्मल सम्यक दर्शन देखो कितना पवित्र है, कि धरती पर महाराज सैनिक अपनी श्रद्धा में आसमान और हिमालय होते हुए चले जा रहे हैं। देवताओं ने जब सौधर्म इंद्र के मुख से महाराज सैनिक की प्रशंसा सुनी तो इंद्रों को भी रहा न गया। वहां पर आप देखिए, जब सौधर्म इंद्र स्वयं प्रशंसा कर रहा था, देवों ने आकर के महाराज सैनिक की परीक्षा करने का भाव पैदा कर लिया। किसी की भी प्रशंसा होती है, इंसान हो या भगवान, देवता क्यों ना हो, वो परीक्षा जरूर करते हैं। दो देव ऊपर से निकले, नीचे आए। ऊपर सभा में चर्चा चल रही थी कि महाराज सैनिक जो हैं उनका सम्यक दर्शन अत्यंत निर्मल है, उनकी श्रद्धा जैन धर्म के प्रति अत्यंत पवित्र है। दो देवों ने आकर के ऊपर से नीचे आकर के साधु और साध्वी का रूप धारण कर लिया। एक साधु बन गया और एक साध्वी बन गया। एक ने सफेद वस्त्र पहन करके साध्वी का रूप धारण किया
एक साधु का रूप धारण करके महाराज सैनिक जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग पर साधु होकर के वो मछली का जाल फैला करके तालाब में से मछली पकड़ रहा था। महाराज सैनिक ने देखा तो माथा कूट लिया, बोला साधु होकर के मछली पकड़ रहा है। महाराज सैनिक नीचे उतर करके अपने रथ से उस साधु से कहते हैं, क्यों साधु भगवंत आप ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मैं इस जंगल में अकेला घूम रहा था, घूमते घूमते मेरी एक साध्वी से मुलाकात हो गई और साध्वी से मुलाकात होने पर मेरा और साध्वी का आपस में संबंध बन गया जिससे वो साध्वी गर्भवती हो गई। साध्वी गर्भवती हो गई और साध्वी को दोहला पैदा हुआ है कि मुझे मछली खाना है, इसलिए मैं साध्वी के निमित्त से मछली पकड़ रहा हूँ। इस मछली के मरने पर मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूँ। ये बात जब साधु के रूप धारी उस देव ने कही तब महाराज सैनिक उस साधु से कहते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि साधु होकर के कोई मांसाहार नहीं करता? बोलते मांसाहार मैं कर कहाँ रहा हूँ, मैं तो अपनी उस साध्वी उस प्रिया के प्रति जिसका मेरा संबंध हो गया है और जिसके पेट में गर्भ है उसका दोहला है, तो दोहले के कारण यहां पर मछली पकड़ रहा हूं। वो साधु के उस बात को सुनकर के महाराज सैनिक को पहली बार तो क्रोध बहुत तेज आया, फिर शुद्ध सम्यक दर्शन की परीक्षा करने के लिए जब देवताओं ने इस तरीके का कुचक्र रचा उस समय महाराज सैनिक बोलते हैं कि महाराज ये महानतम पाप है, आपको पता नहीं है? बोले पता तो है कि ये पाप है, लेकिन उसको दोहला हुआ है, मान लो उसका पेट का गर्भ मर गया तो ये पाप बड़ा है कि वो पाप बड़ा है, कौन सा पाप बड़ा है? जब ये बात उस देव ने छद्म रूप से घुमा करके महाराज सैनिक से कही, महाराज सैनिक माथा कूटते रह गए। महाराज सैनिक उस साधु से पूछते हैं कि ये साध्वी को कहाँ ले जाकर के रखोगे, इस साध्वी का निर्वाह कैसे करोगे? बोले यही सब कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको दोहला हुआ मछली खाने का साध्वी होकर के, दुनिया का कोई भी धार्मिक चोला पहना हुआ व्यक्ति हो अगर वो मांसाहारी है तो वो अपने धार्मिक चोले का अपमान करता है। कोई भी अगर आपने टीका चंदन लगा लिया है, कोई धार्मिक चोला पहन लिया है, अग्नि का वस्त्र पहन लिया है, साधु जैसे दिखाई देने लगे हैं, माथे में टीका चंदन लगा दिया है, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मांसाहार करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है कि आपने उस वेश की कीमत नहीं समझी। महाराज सैनिक उस साधु को समझाते हैं कि ये आपके पद के योग्य नहीं है। साधु बनकर के वो जीव कहता है तो आप बता दीजिए मेरे योग्य क्या है? बोले आपने उस आरिका को गर्भवती किया? हाँ मैंने किया, मेरा प्रेम हो गया, हम अकेले घूम रहे थे, हमको अकेले मिल गए, हमारे अनुबंध हो गए। महाराज सैनिक बोलते हैं आप अपनी साधना करिए, आप उस आरिका को संभालना हमारी जवाबदारी है। और सोचिए 9 माह देव जो थे वो महाराज सैनिक के सम्यक दर्शन की परीक्षा करते रहे। वो जो देव आरिका का रूप रख के, वो जो देव साध्वी का रूप रख करके और वहां पर जाकर के स्थित हो गया, दिनों दिन एक एक दिन करके साध्वी का गर्भ बाहर दिखाई देने लगा। महाराज सैनिक महारानी चेलना ने उस साध्वी को अपने रनिवास पे रख करके उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा अर्चना वंदना सब किया। वो साध्वी कहती थी मेरी संध्या वंदन का समय हो गया है, मेरे चर्या का समय हो गया है, मेरे ध्यान का समय हो गया है। महाराज सैनिक ने उस साध्वी की अवस्था में, साध्वी को उस अवस्था में जिस समय बिल्कुल निश्चित है कि साध्वी होती है तो उसको ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना पड़ता है, लेकिन महाराज सैनिक और चेलना ये दोनों ने मिलकर के उस देवता रूपी साध्वी की व्यवस्था करी, 9 माह तक उसका पोषण किया, उसकी चर्या का निर्वाहन किया और उसके बाद 9 माह के बाद
जब वह साध्वी के गर्भ से पुत्र प्रसव हो गया, उस पर भी जब 9 माह तक लगातार चेलना ने और सैनिक ने बिल्कुल मन को खराब किए बिना उनकी वैयावत्ति करी, और जब पुत्र हाथ में आ गया तब उस साध्वी ने अपना सही रूप धारण करके महाराज सैनिक और चेलना की भूरी भूरी प्रशंसा करके उनके मस्तक पर पुष्प की वृष्टि कर दी। वुदेव कहता है कि सौधर्मेंद्र की सभा में आज से 10 माह पूर्व आपकी निर्मल श्रद्धा की चर्चा हो रही थी। उस निर्मल श्रद्धा की चर्चा होते वक्त हम लोगों के मन में लगा कि सौधर्मेंद्र इतनी प्रशंसा किसी मनुष्य की कर रहे हैं, उसमें इतने सद्गुण तो नहीं हो सकते कि सौधर्मेंद्र स्वयं प्रशंसा कर रहा है। ये बात परीक्षा करने के निमित्त से हम और वो दूसरा देव साध्वी और साधु का रूप धर के यहाँ पर आए। 9 माह तक हम दोनों ने मिलकर के आपकी परीक्षा करी। 9 माह तक ये देखा कि साधु और साध्वी के रूप में भी हुए गए अपराधों में आपने किस तरीके से उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य करके जैन शासन की प्रभावना करने का जो आपने एक दृढ़ निश्चय किया, उस निश्चय को देख करके आज हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको कुछ दिव्य शक्तियां देकर के अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं। और जो इस जैन शासन में इस तरीके की आपराधिक दृश्य को हम लोगों ने दिखाया, उस दृश्य के प्रति भी हम अपराध भाव की क्षमा याचना करते हैं। महाराज सैनिक को चेलना एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों को लगा कि देवता 9 माह से हमारी परीक्षा कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। मन की भावनाएं और श्रद्धा बंधुओं पंचम काल की कांच के समान होती है, थोड़ा धक्का लगता है और तुरंत टूट जाती है। लेकिन महाराज सैनिक की वह श्रद्धा से हमको अपनी श्रद्धा को जोड़ना है, देखना है, सीखना है और समझना है कि किस तरीके से महाराज सैनिक और चेलना ने उपगुहन और स्थितिकरण किया, किसी बात को ढांका, ढांक करके स्थितिकरण करके वापस उसी पद पे जाने के लिए उनको प्रेरणा दी, और प्रेरणा देकर के धर्म का स्थितिकरण करना भी एक शावक के माध्यम से बहुत बड़ी बात हुई। जब ये पूरे कार्यक्रम हो गए, उन देव उनकी परीक्षा करके चले गए, और इधर अभय कुमार, कुणिक, वारिसेन, इन सब लोगों के साथ महाराज सैनिक अपने घर के अंदर रह करके बहुत सुव्यवस्थित जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक ही वारिसेन के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि मुझे संसार के सारे भोगों को छोड़ करके और मुनि पद को स्वीकार करके मोक्ष पुरुषार्थ करना है। जब द्वितीय पुत्र वारिसेन के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ और वारिसेन ने जाकर के महाराज सैनिक से कहा कि मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ, वह मुनि दीक्षा शब्द सुनकर के ही महाराज सैनिक का माथा घूम गया। महाराज सैनिक सोचते हैं कि जिस मुनि दीक्षा को मुझे लेना चाहिए था, ये मुनि दीक्षा लेने की भावना मेरा पुत्र कर रहा है, और मैं अभी तक राज्य के राजकाज में फंस करके महाराजा के पद पर ही बैठा हुआ हूँ। वारिसेन के एक शब्द थे कि बस मेरे मुनि दीक्षा लेने के भाव हैं, और वारिसेन अपने मन को भी टटोल रहे थे। और इधर जब महाराज सैनिक को पता चला कि मेरे द्वितीय पुत्र ने मुनि दीक्षा लेने का भाव पैदा किया है, तो महाराज सैनिक ने सोचा कि क्यों ना अभय कुमार को यहाँ का राजा बना दिया जाए, जो काम आज वारिसेन ने बोला है ये काम तो मेरे करने योग्य है। लेकिन महाराज सैनिक तो पहले ही नरक आयु का बंद कर चुके थे। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, वो किसी भी प्रकार का देश संयम हो या सकल संयम, कोई भी प्रकार का संयम ग्रहण कर ही नहीं सकता। महाराज सैनिक सोचते तो रहे, लेकिन महाराज सैनिक के अंदर मन के अंदर संयम ग्रहण करने की कोई भावना पैदा नहीं हुई। संयमी की सेवा करने की भावना अलग बात, और संयम ग्रहण करने की भावना पैदा होना बिल्कुल अलग बात। हम सोचते हैं कि साधु की सेवा करते हैं तो हम धर्मात्मा हैं, लेकिन आगम ग्रंथ कहता है कि अगर आप व्रत संयम को स्वीकार करते हैं तब आप धर्मात्मा हैं। ये आपका मील का पत्थर है, शावक के कर्तव्य हैं देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम, षटकर्माणी, दिने दिने, ये शावक का कर्तव्य है। लेकिन शावक के कर्मों की निर्जराएं सिर्फ इन्हीं कर्तव्यों को करते हुए नहीं होती,
उसमें प्रतिमाओं के व्रत लेने से जो तत्संबंधी निर्जरा स्थान बनते हैं, सम्यक दृष्टि सावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शपकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा, ये निर्जरा के स्थान बनाना भी सावक के अपने जीवन का एक बहुमूल्य कर्तव्य होता है। महाराज क्षणिक सोचते रहे लेकिन उनके मन के अंदर भाव पैदा ना हुआ। अभय कुमार को बुला करके महाराज क्षणिक ने वो बात रखी कि अभय कुमार आप कुणिक से भी बड़े हैं, जब चेलना मेरे जीवन में नहीं आई थी, जब कुणिक मेरे जीवन में नहीं आया था, तब भी आपने मेरा मंत्री पद पर रह करके मेरा साथ दिया। आज ऐसी भावना है कि आप इस महाराजा के पद को स्वीकार करें और मुझे यहाँ से निर्वृत्त करें। अभय कुमार ने पहली बार में ही मना कर दिया। अभय कुमार कहते हैं, चूंकि केवली के मुख से वो बात सुन करके आ गए थे अभय कुमार भी, कि आगे चल के मुझे भी ये भी मुनि पद ग्रहण करेंगे और ये भी सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। अभय कुमार के मन के अंदर भी जैन शासन के प्रति ऐसा अद्भुत प्रभाव आ गया था कि अभय कुमार बार 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 संवेग और वैराग्य से ओतप्रोत होते, प्रथमा नियोग के कथानक को पढ़ते, अपने वैराग्य की भावनाओं को बढ़ाते, आत्मा के उस भाव का चिंतन करने के लिए द्रव्यान योग में जाकर के वो बार बार आत्मद्रव्य का चिंतन किया करते और वो भी अपने संवेग और वैराग्य को बढ़ा रहे थे। इधर वारिषेण मुनि बनने को तैयार, इधर अभय कुमार मुनि बनने का भावना भा रहा है। एकमात्र ऐसा कुणिक सामने दिखाई देता था जिसके ऊपर महाराज अपना राज्यभार सौंप सकते थे। अचानक एक दिन ऐसा ही हुआ, वारिषेण ने महाराज क्षणिक से कह दिया कि पिताश्री, इस पूरे संसार से मैं थक गया हूँ, अब मैं मुनि दीक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। महाराज क्षणिक वारिषेण से कहते हैं, बेटा दो दिन बस और रुको, तुम्हारी माँ से थोड़ी सी चर्चा और कर लो। और चेलना और क्षणिक के बीच में वारिषेण को लेकर के संवाद हुआ। चेलना ने महाराज क्षणिक से कहा कि महाराज, वारिषेण मुनि दीक्षा लेना चाह रहे हैं, आप उनको मुनि दीक्षा लेने दीजिए। माँ होकर के चेलना ने कहा कि वारिषेण को मुनि बनने दीजिए, उनका पवित्र भाव निर्मल भाव शुरुआत से रहा है, जब वो गर्भावस्था में रहे हैं उन्होंने मेरे मन के अंदर अपूर्व शांति पैदा की थी। महाराज क्षणिक बार बार चेलना से बोलते हैं, चेलना तुम माँ होकर के बच्चे को मुनि बनने के लिए प्रेरणा दे रही हो। चेलना बहुत शांत भाव से कहती है कि महाराज इसमें क्या बात होगी, जैन दर्शन में अगर संलेखना के व्रत ग्रहण ने किए, संयम ग्रहण ने किया तो पर्याय दुर्लभ है, ये दुर्लभ पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है। महाराज महाराज उस वारिषेण को मुनि बनने की आप आज्ञा दे दीजिए। महाराज क्षणिक और चेलना आपस में बैठ करके, महाराज क्षणिक का मोह जितना कुणिक से था उतना ही वारिषेण से हो गया। जैसे ही घर छोड़ने की बात करते हैं पिता का प्रेम उमड़ आता है, जब तक घर में रहते हैं तब तक कसाई चलती रहती है, छोड़ने की बात करो तो प्रेम उमड़ आता है। अनुभव चीज है मेरी ये। क्षणिक ने वारिषेण के बारे में चेलना से चर्चा करी, चेलना से पूछ रहे थे कि चेलना देखो तो जब भी तुम्हारे गर्भ में था उस समय भी तुमको एक बिल्कुल विचित्र सा दोहला पैदा हुआ। चेलना याद करके बोलती है, आज महाराज मुझे अभी भी याद है, जब ये वारिषेण मेरे गर्भ में था उस वक्त मेरे मन के अंदर गर्मी में ये भाव पैदा हुआ था कि गर्मी में अत्यधिक घनघोर बादल बरसें और बरसते हुए बादलों के बीच में मैं हाथी के ऊपर बैठ करके उस पानी से अपनी देह को तृप्त करूं, ये भाव दोहला पैदा हुआ था। महाराज क्षणिक कहते हैं चेलना से, चेलना सोचो वो दोहले की पूर्ति कैसे हुई थी। चेलना कहती है, अभय कुमार ने उस दोहले की पूर्ति करी थी। अभय कुमार के सामने महाराज क्षणिक ने जब ये बात कही कि बेटा चेलना के मन के अंदर ऐसा दोहला पैदा हुआ है कि वो हाथी के ऊपर चढ़कर के बैठे और गर्मी के दिनों में जब ज्येष्ठ रोहिणी तप रही है उस वक्त घनघोर बारिश हो और घनघोर बारिश में श्वेत छत्र ऊपर लगा करके मैं उस बारिश का आनंद लूं, ये दोहला वारिषेण जब गर्भ में थे तब चेलना के मन के अंदर पैदा हुआ। चेलना ने दोहला महाराज क्षणिक से कहा, क्षणिक को लगा कि ये दोहला की पूर्ति करना असंभव है, तो वो दोहले के बारे में महाराज क्षणिक ने अभय कुमार से कहा। अभय कुमार
जब ये महारानी का दोहला सुना तो अभय कुमार के मन के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि ये दोहला सामान्य हमारे और आपके करने से पूरा नहीं होगा, इसमें किसी दैवी सहायता की जरूरत पड़ेगी। और दैवी सहायता की जरूरत पड़ने के लिए गृहस्थ अभय कुमार उस वक्त शमशान में जा कर के तंत्र विद्या करने वाले लोगों के बीच में जा कर के बैठा। वहाँ कुछ दीपक जल रहे थे, एक पीपल का पेड़ था उसके बीच में दीपक जल रहे थे, उसकी कोटर में गड्ढा था, गड्ढे के अंदर एक आदमी तंत्र विद्या सिद्ध कर रहा था। 12 साल हो गए उस कोटर में रह करके उसको तंत्र विद्या सिद्ध करते। और अभय कुमार ने जाकर के बोला कि क्यों यहाँ पर दीपक कैसे जल रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैं 12 वर्ष से विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे विद्या सिद्धि नहीं हुई, आज विद्या का अंतिम दिन है, आज भी सिद्ध नहीं हुई, अब ये विद्या मुझे सिद्ध नहीं होगी अगर 3 घंटे के अंदर सिद्ध नहीं हुई तो। अभय कुमार उस तांत्रिक से कहते हैं अगर तुम्हें विद्या 12 साल में सिद्ध नहीं हुई तो अगले 3 घंटे में भी सिद्ध नहीं होगी, बताओ वो मंत्र क्या है, उस मंत्र का प्रभाव मैं अपने ऊपर प्रयोग करके देखता हूँ। उस तांत्रिक ने अभय कुमार की इच्छा शक्ति, उसका आत्मविश्वास देख करके वो मंत्र दे दिए और सिर्फ एक माला फेरने पर अभय कुमार को वो विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध होने पर अभय कुमार ने उस विद्याओं के माध्यम से चेलना का वो दोहला पूरा किया। ये बात जब महाराज श्रेणी को चेलना आपस में इस वक्त कमरे के अंदर बैठ करके चर्चा कर रहे थे, स्मृतियों के अतीत के झरोकों में जा करके चेलना पुनः महाराज श्रेणी से कहती है, जब बचपन में गर्भ में रह करके उसने अपनी बात मनवा ली और देवताओं ने उसकी सहायता कर ली, तो महाराज अब तो आपसे आत्मीय निवेदन है, वारी श्रेणी को मुनि बनने की आप आज्ञा दे दीजिए, मेरी अनुमोदना है। महाराज श्रेणी चेलना के उस दृढ़ भाव को देख करके, उस जैन शासन के प्रति उसका समर्पण देख करके अंदर ही अंदर गदगद होते हुए सुबह की राजसभा में वारी श्रेणी को मुनि बनने की आज्ञा दे दी। वारी श्रेणी की उस समय 8 स्त्रियां थीं, एक सी एक सुंदर से सुंदर। 8ों स्त्रियों को भी आचार्य कुंदकुन भगवंत ने वचन सार की चारित चुलका में वो बात कही है, परिवज आपिच्छ बंधु भगम विमोच दो गुरु कलत पुत्ते हिम आसिज नान दर्शम चरित तब वीर्यायारम। कोई गृहस्थ है वो साधु बनना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, तो आपिच्छ बंधु भगम बंधु वर्गों से पूछ करके बता करके, फिर विमोच दो गुरु कलत पुत्ते हिम, मतलब ये बात कहती है कि जब गृहस्थ जब दीक्षा लेते थे तो उनका गुरु, उनका पुत्र, उनकी स्त्रियां सब रहते थे, उन सब से पूछ करके बता करके आसिज नान दर्शन चरित तब वीर्यायारम, फिर दर्शन ज्ञान चारित और तप को स्वीकार करके वह अपने श्रामण्य भाव को प्राप्त करे। ये बात प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद भगवंत कह रहे हैं। वारिश्रेणी ने वैसे ही पूछा, अपनी स्त्रियों से जाकर के पूछा, स्त्रियों ने एक ही बार में कहा कि अगर आप दीक्षा ले लेंगे तो हम राजमहल के अंदर रह करके क्या करेंगे। तब वारिश्रेणी कहते हैं अभी माँ का ध्यान रखना, फिर आगे चल करके जैसा उचित हो वैसा करना। वारिश्रेणी ने अपनी स्त्रियों को समझाइश दी और वारिश्रेणी चेलना और सैनिक से पूछ करके स्त्रियों को बता करके और मुनि धर्म में दीक्षित होकर के बियाबान जंगलों में उग्र तप तपने लगे। वारिश्रेणी की प्रभावना धीरे 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 करके अद्वितीय रूप से पूरी धरती पर फैलने लगी। इधर महाराज श्रेणी बार बार सोचते कि मैं भी वृद्ध हो गया हूँ और मेरे वृद्धावस्था में ये राजभार किसको सौंपना चाहिए। अभय कुमार से बात करते हैं तो अभय कुमार राजा बनने तैयार नहीं है। वारिश्रेणी ने मुनि दीक्षा ले ली, चेलना और महाराज श्रेणी दोनों ने मिलकर के कुणिक को राज्य का राजा बनाने की सोची। राज्य का राजा बनाने की सोची, कुणिक को राजा बनाने के लिए महोत्सव किया, राजपथ पर बैठाया, उसको मुकुट बंधन किया, उसका मंगलाचार किया, दूर दूर से राजा महाराजाओं से भेंट दिलवा करके महाराज श्रेणी उस राजपथ से हट गए। अब पूरे के पूरे मगध का साम्राज्य महाराज कुणिक के हाथ पे आ गया। पिताजी रिटायर हो गए, कुणिक मगध के साम्राज्य पर बैठ गए। मगध के साम्राज्य पर बैठने पर कुणिक ने मगध के पूरे के साम्राज्य का अनुशासन इतना सुदृढ़ व्यवस्था से चलाया कि उस चलते हुए साम्राज्य को देखकर के महाराज श्रेणी को बहुत खुशी होती थी कि कुणिक
बहुत अच्छे तरीके से पूरा मगध का शासन चला रहा है। इधर अभय कुमार आकर के महाराज क्षणिक से कहते हैं कि पिताजी, जैसी वारिषेण मुनि महाराज ने अपनी गति सुधार ली है, ऐसी ही मेरा भी भाव है, मैं भी मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ। और अभय कुमार ने भी महाराज क्षणिक की आज्ञा, चेलना की आज्ञा पाकर के अभय कुमार भी मुनि पद को धारण करके जंगलों में विहार करके उग्र तप तपने लगे। दो पुत्र मुनि बन गए, एक पुत्र को राज्य दे दिया, जीवन भर खूब भोग भोग लिए, छाईक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, विधर्मी था, स्त्री की कृपा से जैन शासन मिल गया, जिन धर्म मिल गया, छाईक सम्यक दर्शन मिल गया, 16 कारण भावनाओं में वैयावृत्ति की भावना भाने के कारण तीर्थंकर प्रकृति दर्शन विशुद्धि का साथ लेकर के केवली के पाद मूल पे बांध ली। अगली पर्याय में छाईक सम्यक दर्शन का कमाल देखेंगे, जब तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करके तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, धर्म तीर्थ का। ऐसे वे महाराज क्षणिक, कुणिक ने व्यवस्था संभाल ली, महाराज क्षणिक खुश रहते थे। अभय कुमार और वारिषेण दो मुनि बियाबान जंगल में, इतना साम्राज्य होने के बावजूद जंगल में जाकर के आत्मोपलब्धि के लिए, अतीन्द्रिय सुख के लिए बार बार जाकर के साधना में लीन हो गए। पहले से चतुर्गुण स्थान तक इंद्रिय सुख की अपेक्षा रहती है, पंचम गुण स्थान में स्वाभाविक सुख की अपेक्षा रहती है, छठवें गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा रहती है, केवली भगवंतों के पास अनंत सुख रहता है और सिद्ध परमिष्ठों के पास अव्याबाध सुख। पांच प्रकार के सुख होते हैं, अपने अपने गुण स्थानों में अपने अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करता है। साधु अतीन्द्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो शावक इंद्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती आर्का भवन शावक इत्यादि जो होते हैं वो सब स्वाभाविक सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और इसी पुरुषार्थ में जीवन की कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। बंधु अभय कुमार और वारिषेण दो मुनिराज घर से निकल गए। चेलना दोनों के बारे में स्मरण भी करती तो बहुत खुश होती। जब नगर के लोग बताते कि अभय कुमार की ऐसी उग्रचर्या है, कोई बताता कि वारिषेण मुनिराज की ऐसी उग्रचर्या है, चेलना को सुनकर के बड़ा खुशी, अंदर से हृदय प्रसन्न होता। कुणिक ने मगध का साम्राज्य संभाल ही लिया था। कुणिक कभी कभी अपने पिता से राजकाज की व्यस्तता के कारण मिलते, लेकिन जब भी कुणिक महाराज क्षणिक से मिलते, कुणिक को महाराज क्षणिक को देख करके क्रोध आ जाता। नौकर्म है महाराज क्षणिक कुणिक को क्रोध पैदा करने का, क्योंकि पूर्व भाव का कोई अनुबंध है। पहले महाराज क्षणिक ने उस पर्याय में रहकर के, सुमित्र ने रहकर के सुषेण को परेशान किया था, आज सुषेण का जीव कुणिक बन करके महाराज क्षणिक के प्रति क्रोध कर रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुणिक के जन्मोत्सव पर, जब कुणिक का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से पूरे मगध में मनाया जा रहा था, महाराज क्षणिक और महारानी चेलना दोनों कुणिक को आशीर्वाद देने के लिए कुणिक के कमरे पर पधारे। महाराज के पद पर रहते हुए भी कुणिक को बहुत दिन गुजर गए थे, कुणिक को क्षणिक को देख करके अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध आने पर कुणिक सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि ये क्षणिक को बंदी बना करके और नीचे कारागृह में गुप्त तहखाने पर इनको वहां पर बंदी बना करके रख दो। वही होता है बंधुओं जो हम करते हैं जीवन में, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अपकर्म हो या सत्कर्म, ये नहीं सोचना जब हम बोलते हैं कि अपना कर्म भोगना पड़ेगा तो आपकी हमेशा ये पाप बुद्धि जाती है, क्योंकि आपको जगाने वाला पापी है। आप सम्मान से जगते हैं कि अपमान से जगते हैं, सही बताइए। कोई जब आपका सम्मान करता है तब आपके अंदर जागृति आती है कि बेहोशी आती है? महाराज कोई सम्मान करता है तो बेहोशी आती है, होकर सुख में मग्न न फूले, लेकिन फूल जाते हैं। लेकिन जब कोई आपका अपमान करता है तब, कोई तीखे शब्द कहे तो आप पूरे तन मन से जागृत हो जाते हैं। तुमने हमको ऐसा बोला, हम तुमको देख लेंगे, अच्छा हम तुम्हारे 3 साल तक तुम्हारा सम्मान करते रहे तब तो तुमने हमसे नहीं बोला कि तुमने हमको इतना सम्मान करते हो, हम तुमको देख लेंगे। एक दिन अपमान का थोड़ा सा तीखा बाण क्या मारा
कि वो अपमान आज पंचम काल में व्यक्ति को जागृत रखता है। तुमने हमारा अपमान किया, हम तुमको देख लेंगे। अब कब तक देख लेंगे? बोले जब तक मरेंगे नहीं ना बेटा, तब तक देख लेंगे। अपन इतनी लंबी वाली जागृति एक अपमान के तीर से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सम्मान के तीर से प्राप्त नहीं करते। वो जागृति हमको मिलती ही नहीं है। महाराज क्षणिक का कुड़िक ने अपमान करके वहां पर डाल दिया। महाराज क्षणिक को फिर स्मृतियों में चले गए कि केवली ने, गौतम स्वामी ने कहा था ये बात कि पूर्व में इसका तुम्हारा ऋणानुबंध है, निश्चित ये तुमको पहचान करेगा। महाराज क्षणिक की वृद्धावस्था हो चली। उस वृद्धावस्था में पिता को पुत्र ने कैद में रख लिया, न खाने देता न पर्याप्त पीने देता। जीने तो देता, खाने देता उतना जितने में जिंदा रह सको, लेकिन पेट भर खाने नहीं देता। ऐसे कुणिक आज भी सृष्टि पर हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस संसार में जिन्होंने छल से गुस्सा करके, चोरी चकारी करके अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी, कैश सब हड़प लिया। अब पिता को एक बंधन में बांध दिया कि तुम दोनों तो बुढ़े बुढ़िया हो गए हो, तुम लोग को ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग 10,000 रुपया 8,000 रुपया महीना लो, खाओ पियो, इतना ही पड़े रहो। जैसे एक कमरे में दे करके माता पिता के साथ जब बच्चे इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी कुणिक से कम नहीं है कि पिता ने तुमको, माँ ने तुमको गर्भ में रह करके पाला, बड़ा किया, सब कुछ किया, और ये बच्चे बड़े होकर के अपने पिता को 8,000-10,000 रुपये महीना देते हैं और पिता की पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, सब चीज लिखवा ली। लिखो, तुम लिखो नहीं तो हम अपनी हाथ नस से हाथ काट लेंगे, मर जाएंगे, बोलेंगे हमारे बाप ने हमको मार दिया। इस तरीके के कुणिक भी संसार पे हैं। ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अपने ही पिता को घर के अंदर ही इतना त्रसित करते हैं, इतना दुखित करते हैं। पिता आकर के हमसे बोलते हैं, महाराज हमारे बच्चा को कछु ज्ञान दे दो। हमने कही क्या ज्ञान दे दें, तुम हमसे ज्ञान लो, हम सती चेलना का चरित्र कह रहे हैं, उसमें समझो कि तुम्हारा तुम्हारे बच्चे का क्षणिक और कुणिक के जैसा कुछ ऋणानुबंध है। जब वो माता पिता को बच्चा इतना परेशान कर रहा है, होता है घर के अंदर बंधु, ये जितने भी बच्चे होते हैं ये बड़े होकर के माँ बाप से कहते हैं हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे, तुम करने वाले होते कौन हो? 1.5-2 करोड़ का पैकेज लग जाए तब तो वे बाप के भी बाप बन जाते। ऐसी व्यवस्थाएं संसार में चल रही है, दुख है, मेरे पास आता है तो मुझे पता चलता है। कुणिक ने क्षणिक को कैद में बंद कर दिया, उतना ही खाने देता जिससे कुणिक जिंदा रहे और उतना ही पीने देता है। न भरपेट पानी पीने मिला महाराज क्षणिक को, न भरपेट खाने मिला, आयु के अंत में ऐसी दुर्दांत अवस्था कर दी। उस पर भी कुणिक को रहाई नहीं पड़ी। चेलना के प्रति कुणिक का तो खूब प्रेम था, चेलना को कुणिक ने व्यवस्था दे के रखी थी, आप जब चाहें तब जाकर के पिताजी से मिल सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन पिताजी अब वापस राजमहल के इस कमरे में नहीं आएंगे। चेलना वृद्धावस्था में कुणिक से कहती है कि कुणिक तू इतना कैसा क्रोध कर लेता है पिता के ऊपर? बोले पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनने मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। बार बार कुणिक पिता को हड़कता और चेलना मन के अंदर कुणिक के भाव पैदा करती, लेकिन उसके बाद भी कुणिक नहीं मानता। और कुणिक ने धीरे धीरे करके आदत बना ली कि जैसे रोज सुबह आप मंदिर जाते हैं, ऐसे ही कुणिक रोज तहखाने में जाता, अंदर जा करके कोड़ा उठाता और महाराज क्षणिक को रोज 50 कोड़े मारता। 50 कोड़े रोज पुत्र पिता को मारता। मारने से पूरी की पूरा पीठ क्षणिक की छिल जाती, खून बहने लगता। उस बहते हुए खून को देख करके कुणिक को आनंद आता। जब कुणिक पेट में था तब भी दोहला हुआ था इस बात का कि चेलना कहती थी कि मैं अहिंसक हूं, मैंने कभी मांस नहीं देखा, रक्त नहीं देखा, लेकिन मेरी इच्छा होती है क्षणिक कि आपका पूरा छाती चीर करके बहता हुआ रक्त देखूं। वो जो दोहला बचपन में पैदा होता था, उस दोहले को कुणिक ने बड़े होकर के सार्थक कर दिया। महाराज क्षणिक को रोज 50 कोड़े पीठ पे पड़ते, रात भर में थोड़ा बहुत घाव भर पाता, लेकिन दूसरी जगह दूसरे दिन जाकर के उसी घाव में कुणिक एक नया घाव पैदा कर देता।
कभी कल्पना करिए, गिरने पर छिल जाते हैं और छिले हुए पर जब दोबारा छिलता है तो आदमी कैसा कल्ला जाता है अंदर से। और फिर वो कल्पना करिए कि छाईक सम्यक दर्शन साथ में रह करके देवशास गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा और श्रद्धान, देवशास गुरु की अभूतपूर्व सेवा करने के बावजूद एक क्षणिक के जीवन में जब पाप फलित हुआ तो कुणिक ने रोज 50 कोड़े मारे। उसी कोड़े के घाव पर जब दूसरा कोड़ा पड़ता तो वो कोड़े के अंदर जब चमड़ी में कोड़ा जाता तो क्षणिक पूरी रात तड़प जाती, ऐसी तड़पन पुत्र पिता को दे रहा है। वहां पर उस कुणिक ने क्षणिक को शारीरिक पीड़ा दी, आज के पंचम काल के कुणिक अपने पिता को मानसिक पीड़ा देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं कि कई बार पिता और मां की इच्छा होती है कि आत्महत्या कर ले। और वो बच्चे बार बार एक ही बात कहते हैं, कैसा ऋणानुबंध है संसार में कि बच्चों को अपने पिता के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती, इस बात के ऊपर कि अपने पिता से पिता चाहता क्या है, सिर्फ यही बात चाहता है कि बच्चा अच्छे से संवाद कर ले, बैठ ले, बात कर ले, अच्छे से बोल ले। लेकिन आज के कुणिक जो पंचम काल के हैं वो कोड़े तो नहीं मारते लेकिन शब्दों का कोड़ा इतना जबरदस्त मारते हैं, पिता छलनी होता रहता है। वृद्धावस्था में किसी भी वृद्ध आदमी की बस एक इच्छा होती है कि मेरे परिवार के जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, मेरा पुत्र है, पास में बैठ करके 10 मिनट पूछ ले, पिताजी आप कैसे हैं। 60 साल के होंगे आप, प्रवचन सुन रहे होंगे जो मेरा, आपके 85 साल के 90 साल के पिताजी होंगे, कभी सोचिएगा कि अपनी माँ के पास, पिता के पास जाकर के 15 मिनट बैठना, बैठ करके पिताजी से पूछना, पिताजी सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही, कुछ चाहिए क्या, बस इतना पूछना पड़ता है घर में जाकर के। हर पुत्र को पिता से पूछना पड़ता है, चाहे पुत्र 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 55 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, पुत्र है और उसका पिता जिंदा है, उसकी मां जिंदा है, तो वृद्ध माता पिता बस इतनी सी बात चाहते हैं कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बच्चा रोज हमारे पास आके बैठ ले, पूछ ले, पिताजी कुछ चाहिए क्या, कुछ सेवा करूं, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं तेल लगा दे, कहीं दिखाने ले चले। वो खुद ही पिता बोल देते हैं, नाड़ हिलती रहती है, मरने के दिन करीब है, पिता नहीं बेटा बस तुम पूछ लेते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने जीवन में, इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक तो कभी पूछते नहीं पिता से, अरे महाराज जी आप कह तो देते हैं लेकिन घर के अंदर इंप्लीमेंट करने में बड़ा शर्म सी लगती है, उस पिता से बात करने में काहे की शर्म लगती है, क्यों शर्म लगती है माँ से बात करने की, क्योंकि वो माँ लेटी हुई है बिस्तर पर, उसी बिस्तर पर लेट बात करती है, उसी बिस्तर पर नहाना पहनाता पड़ता है, आपने मेडी लगा के रखी है, कभी एक दिन मौका देखिएगा कि ये वही माँ है जब मैं छोटा था तब ये माँ मेरी सोच पर जब मेरा हाथ चला जाता तो मैं मुंह में छपा लेता था, बिना किसी घृणा किए कितनी बार माँ ने मुझे साफ किया है, एक बार मैं अपनी माँ को इस वृद्धावस्था में साफ सुथरा कर लूँ तो आपत्ति क्या है, अरे बहुत बदबू आती है, तो क्या जब तुम छोटे से बच्चे थे और जब तुम करते थे तो उसमें से क्या कोई भौरे की सुगंध आती थी, गुलाब की खुशबू आती थी, उस वक्त भी यही होता था। लेकिन माता पिता जिस तरीके से विचिकित्सा गुण का पालन करते हुए अपनी संतति को पाल लेते हैं, एक संतति अपने पिता को नहीं पाल पाती, संतति अपनी संतति तो पाल लेती है लेकिन संतति अपना पिता नहीं पाल पाती। इस पंचम काल में इस दर्द को लेकर के कितने माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए इसी संकलेश के साथ कि 20 साल से हमारा बच्चा हमसे नहीं बोला, 15 साल से बच्चा को से बात नहीं हुई, 5 साल से बच्चे को देखा नहीं, कभी साथ में मिलकर के 30 त्योहार मनाए नहीं, इतना दर्द है गृहस्थ जीवन का। मैं हमेशा वो बात कहता हूं, आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा कि आप धार्मिक बनिए या नहीं बनिए कोई बात नहीं, लेकिन आप पारिवारिक में परिवार के अंदर रह करके व्यवहारिक जरूर बनिए। मंदिर जाओ नहीं जाओ, पूजा करो नहीं करो, ये तुम्हारा दर्शन निजी विषय है, ये तुम्हारा निजी पाप पुण्य है, लेकिन हमेशा इस बात की कोशिश करो कि हमारे निजी पाप पुण्य में हमको भगवान के प्रति आस्था है कि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ रहते हो उनके साथ व्यवहारिक बनकर के रहो।
पिता हैं तो उनकी मनोभावनाओं को थोड़ा दार्शनिक बन के समझने की कोशिश करो कि पिता चाहते हैं, पिता इस बात को चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास आकर के 10 मिनट बैठ करके पूछे पिताजी सब ठीक है, बस बहुत प्यार से, टोन का फर्क होना चाहिए और सॉफ्टली टोन में चाहिए, पिताजी सब ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या आपको, माँ से पूछो माँ सब ठीक है, कुछ चाहिए, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं घूमने चलना है, तीर्थ यात्रा करा दें आपको कहीं पे, माँ तो वैसे ही असहाय है, लेकिन इतना पूछने पर इतना बोलने पर जो उनको अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है, अंदर वो जो संतोष मिलता है कि 65 साल की उम्र में मेरे बच्चे ने आज मुझसे पूछा कि माँ तुम्हें तीर्थ करा दें, तुम्हें एक नई साड़ी दिला दें, माँ खुद ही अरे वो एक छोटी सी सड़ी सी गाउन पहन करके वो अपनी जिंदगी उस खाट पर गुजार रही है, उससे पूछो तो, पूछने पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ये देने के सेटिस्फेक्शन से भी बड़ा है। कुणिक क्षणिक से कुछ पूछता ही कहाँ था, जाता था कोड़ा उठाता था, पिता को देखता था, पूर्व जन्म का बैर याद आता था, उस क्रोध के कारण उस कसाय का प्रस्तुतिकरण करता था, एक घाव के ऊपर दूसरा घाव, फिर दूसरे घाव के ऊपर तीसरा घाव, दिया जाता था, और महाराज क्षणिक भी सम्यक दृष्टि होने के कारण समता पूर्वक सहते रहते थे। कभी महाराज क्षणिक ने उस वक्त भी कुणिक को बद्दुआ नहीं दी, भला हो गौतम स्वामी का जिन्होंने पूर्व में ही ये बात बता दी कि कुणिक और तुम्हारा ऋणानुबंध है। और ऐसे रहते रहते बरसों गुजर गए महाराज क्षणिक के उस दर्द को सहते सहते। चेलना रोज दूसरे दिन जब जाती और देखती कि महाराज क्षणिक के शरीर पे घाव है, चेलना के बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे बाल, उस लंबे बालों को कुणिक ने कह दिया था माँ से, तुम जाओ जाकर के पिताजी से मिलो, बैठो, बात करो, लेकिन ना तुम उसको खाना दोगी, ना उनको तुम कुछ पीना दोगी, वही दूंगा जो मैंने अपने सैनिकों से निश्चित किया है। वहां पर जाकर के चेलना ने जब अपने पति का ये उस छाई सम्यक दृष्टि क्षणिक का जब ये हाल देखती, तो हाल देखने के साथ ही चेलना अपने लंबे बालों को पूरे के पूरे औषधियों के द्रव्य में डुबो देती, औषधियों के डब्बे में डुबो करके जब बाल पूरे गीले हो जाते, सिर तक पूरा गीलापन आ जाता, तब पूरी बाल को गीले बालों को चेलना और जूड़ा बांधती और सिर ढकती और ढके हुए सिर से जा करके महाराज क्षणिक के पास रोज जाती और पूरे के पूरे लंबे बालों को उनको गले से लगा करके बाल सामने करती, पूरी पीठ पर वो बालों में छपी हुई औषधियों से महाराज क्षणिक की पीठ का वो मर्दन करके उसको ठीक कर दी। औषधियाँ इतनी अद्भुत थीं कि पहली बार में लगाने पर महाराज को उसमें आराम मिलता। महाराज क्षणिक और महारानी चेलना के उस एक घंटे आधा घंटे के मिलन के लिए महाराज क्षणिक पूरा दिन तड़पते। चेलना जाकर के वहां पर पूरे के पूरे बालों को जब क्षणिक की पूरी पीठ पर लगा देती, क्षणिक को बहुत देर तक आराम मिलता। जब पूरे बाल क्षणिक के पीठ पर लगे लगे सूख जाते और सूखने के बाद जब वो बाल सूखने के कारण घाव में गड़ने लगते, तो थोड़े से विपरीत स्पंदन को चेलना समझ करके अपने बाल हटाती, पति के पैर पड़ती और बोलती, स्वामी कैसे तीव्र कर्म का उदय है कि मैं सब कुछ होने के बाद भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। क्षणिक उस वक्त भी चेलना को समझाते कि चेलना इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पूर्व भाव में जैसा मैंने कुणिक के साथ किया है, आज समता पूर्वक सहने पर ये सारे ऋणानुबंध खत्म हो जाएंगे। ऐसे कई दिन बीत गए और आपका समय भी बीत गया, शब्दों को विराम देता हूँ। इस धारा प्रवाह की गंभीरता में प्रत्येक शब्द में अपने परिवार को जीने की कोशिश करिए बंधुओं। मैं हमेशा कहता हूँ कथानक का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो, जो भी आवरण आपके ज्ञान पे पड़े हैं, आपके व्यवहार में पड़े हैं, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं होती कि कभी आज तक हमने अपने पिता से नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आज जाकर के पूछ लेते हैं। टोन बहुत सॉफ्ट हो, बहुत प्यार से पिताजी से, चाहे वो दुकान में बैठे हों, चाहे वो घर में बैठे हों, प्यार से एक बार बच्चा पूछ लेता है ना, पापा
कुछ चाहिए क्या आपको? पापा बोलते हो, डैडी बोलते हो, पिताजी बोलते हो, ताऊ बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, लेकिन अपने परिवार का साम्राज्य स्थापित करना और बनाए रखना है तो बस पुत्र को पिता के पास जाकर के बहुत अच्छी टोन में एक बार बोलना बस है, पापा सब ठीक है ना। इतने में पापा की आंख से आंसू ना आ जाए तो कहना, और उसके बाद जो अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा पिता के साथ बात करने का, माँ के साथ बात करने का, उस आत्मसंतुष्टि का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है। शब्दों को विराम देता हूँ, कल प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक। सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।